भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए उम्मीद जताई है कि समग्र द्विपक्षीय वार्ता के तहत दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने से इस क्षेत्र में शांति और विकास का नया अध्याय शुरू होगा, क्योंकि दोनों ही देशों के लिए अहम मुद्दा शांति और विकास है। पाकिस्तान यात्रा से लौटने के बाद सोमवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दोनों देशों के संबंधों को लेकर राज्यसभा में अपनी ओर से यह बयान दिया। सुषमा स्वराज ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ के बीच पेरिस पर्यावरण सम्मेलन के दौरान यह चर्चा हुई थी कि दोनों देशों के बीच दोबारा किस तरह से बातचीत का माहौल बनाया जा सकता है। इसके बाद हाल ही में पाकिस्तान यात्रा के दौरान सुषमा स्वराज ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और विदेश मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात की थी, जिसके बाद पाकिस्तान के साथ एक नए शीर्षक समग्र द्विपक्षीय वार्ता के तहत बातचीत शुरू करने का फैसला लिया गया। लगातार हो रहे हंगामे के बीच इस फैसले की जानकारी राज्यसभा को देते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि दोनों देशों के विदेश सचिवों को इस नई वार्ता की रूपरेखा और सारणी तय करने का काम सौंपा गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सांसदों और देशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन जानकार मोदी सरकार के इस यूटर्न को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। संसद में सोमवार को कांग्रेस सांसदों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस सांसदों के हंगामे की वजह केरल में मंगलवार को होने वाला प्रधानमंत्री का वो कार्यक्रम है जिसमें केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी को बाहर रखा गया है। इसी को लेकर नाराज कांग्रेस सांसदों ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी करते हुए वे अध्यक्ष के आसन के समक्ष पहुंच गए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस सांसदों से प्रश्नकाल के बाद इस मसले को सदन में उठाने की बात कही, लेकिन सांसदों ने उनकी एक नहीं सुनी और प्रधानमंत्री जवाब दें जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारी सांसदों के हाथों में राजनीतिक बदले की भावना बंद करो, यह अपमान है और प्रधानमंत्री जवाब दें सरीखे नारे लिखी तख्तियां थीं। कांग्रेस सांसदों ने सबका साथ सबका विकास कहां गया और संघवाद का क्या हुआ नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ने उनसे अपनी सीटों पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन सदस्यों ने उनकी नहीं मानी, जिसे देखते हुए उन्हें सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आपको बता दें कि संसद की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही 20 से अधिक कांग्रेस सांसद संसद परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष इकट्ठे हुए और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे असम के बारपेटा मंदिर में जाने से रोका गया, आरएसएस के लोगों ने मुझे मंदिर में जाने से रोका था, ये पीएम की सोच है, असम पंजाब और केरल के लोगों को ये मंजूर नहीं है। मंदिर के सामने महिलाओं को बैठा के मुझे अंदर जाने से रोका, मगर बीजेपी की ये सोच है, असम में मुझे मंदिर के अंदर मत जाने दो, पंजाब में दलितों को मारो, दैट इज नरेंद्र मोदी जी इज थिंकिंग। आतंकी हाफिज सईद ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। आतंकी हाफिज सईद ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम लेकर कहा है कि भारत मुंबई हमले का गुनाह कयामत तक साबित नहीं कर पाएगा। आतंकी हाफिज सईद ने ट्वीट करके भी भारत को ललकारा। गौरतलब है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद के दोनों सदनों में पाकिस्तान से बातचीत का बयान दिया। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके सलाहकार सरताज अजीज से सुषमा स्वराज ने मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत की नई शुरुआत की उम्मीद जगी है। मुंबई हमले के गुनहगार आतंकी हाफिज सईद ने सोशल साइट ट्विटर और वीडियो पोस्ट करके कहा है कि भारत कभी भी उसका गुनाह साबित नहीं कर सकता। उसने दावा किया कि मुंबई हमलों को 7 साल हो गए हैं, पर तुम साबित नहीं कर सके, इंशाअल्लाह क़यामत तक साबित नहीं कर सकते हो। जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ भारत ने पाकिस्तान को कई सबूत सौंपे हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी कड़ी और कारगर कार्रवाई करने से बचता रहा है। हिमाचल के शिमला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करते वक्त कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता झुलस गए। प्रदर्शनकारी नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का पुतला जलाना महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में शिमला के डीसी कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री का पुतला जलाया जा रहा था कि इसी दौरान पुतले पेट्रोल डालकर कुछ कार्यकर्ताओं ने आग लगाने का प्रयास किया तो अचानक लपटों ने 3 कार्यकर्ताओं को अपने चपेट में ले लिया। इनमें से एक महिला कार्यकर्ता भी शामिल है। अपने सीनियर लीडर्स पर कथित तौर पर राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता की मोदी सरकार से नाराज हैं। इसी के मद्देनजर सोमवार को कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर धरना प्रदर्शन किया।
इस घटना में दो कांग्रेसी कार्यकर्ता बुरी तरह झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश भाजपा के नए मुखिया के रूप में अशोक परनामी के नाम पर मोहर लग चुकी है। हालांकि इसका विधिवत घोषणा कल होगी। आज हुए नामांकन के दौरान एकमात्र नामांकन आया और वो था अशोक परनामी का। समाचार प्लस की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है। प्रदेश भाजपा के नए मुखिया के रूप में अशोक परनामी की ताजपोशी मंगलवार को होगी। आज हुए नामांकन के दौरान इस पद के लिए अशोक परनामी के नाम से दो नामांकन पत्र दाखिल हुए। सीएम वसुंधरा राजे की मौजूदगी में दोनों ही नामांकन पत्र दाखिल किए गए और खुद सीएम वसुंधरा राजे और गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया परनामी के प्रस्तावक बने। परनामी ने केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक डॉक्टर दिनेश शर्मा के समक्ष पर्चा दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में वोट डालने के अधिकारी, तमाम जिला अध्यक्ष और प्रदेश प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आज बीजेपी राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के राज्य के 25 पदों के लिए भी नामांकन पत्र भरे गए। सभी 25 पदों के लिए 25 ही नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए, जो इस बात का सबूत है कि चुनाव की तमाम प्रक्रिया सर्वसम्मति से हुई। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में परनामी के नाम का ऐलान मंगलवार दोपहर 12 बजे होगा और इस दौरान सीएम वसुंधरा राजे और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। परनामी पर सीएम राजे का हाथ है और ऐसे में परनामी के नाम पर मोहर लगना पहले से तय हो चुका था। अब परनामी अगले 3 साल तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा आगे की तरफ कदम बढ़ाएगी। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ मनाने के बाद बीजेपी नेता और मंत्री सभी अपने अपने कार में लग गए। सोमवार को एक बार फिर से मंत्री दरबार लगा और इसमें कार्यकर्ताओं की परेशानियां सुनी गयी। प्रदेश में बीजेपी सरकार की दूसरी वर्षगांठ मनाने के बाद एक बार फिर से बीजेपी मुख्यालय में मंत्री दरबार लगा के कार्यकर्ताओं की परेशानियां दूर की गयी। सोमवार को पार्टी कार्यालय में सरकार के 3 मंत्रियों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की फरियाद सुनी और उनकी समस्याएं दूर करने का प्रयास किया। आज जलदाय मंत्री किरण महेश्वरी, परिवहन राज्य मंत्री बाबूलाल वर्मा और राजस्व मंत्री आमाराम चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान सभी विभागों से जुड़ी समस्याएं सामने आई, लेकिन सर्वाधिक समस्याएं जलदाय विभाग और राजस्व विभाग से जुड़ी रही। जलदाय मंत्री किरण महेश्वरी के अनुसार जो समस्याएं आई हैं उसका सरकार के स्तर पर समाधान किया जाएगा, जिससे आम कार्यकर्ताओं को राहत मिल सकेगी। राज्य सरकार की जलदाय मंत्री किरण महेश्वरी ने जनता दरबार लगा के सभी कार्यकर्ताओं की परेशानियां तो सुन ली और उनको आश्वासन की घुट्टी भी पिला दी, लेकिन अगर समय रहते उनकी परेशानियों का निदान नहीं किया गया तो उनको कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। चित्तौड़गढ़ में भाजपा के 2 वर्ष के शासनकाल में करोड़ों के विकास कार्य हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक देश के हर व्यक्ति के पास अपना घर हो, इसको लेकर चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने गरीबों के लिए 1000 से अधिक आवास का निर्माण कार्य शुरू किया है। साथ ही बीपीएल के 899 परिवारों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने के साथ कई आवासीय कॉलोनियां भी शुरू करने जा रही है। चित्तौड़गढ़ में भाजपा सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में कई विकास के कार्य हुए। नगर परिषद सभापति सुशील शर्मा ने बताया कि गरीबों के लिए 1000 से अधिक आवास का निर्माण शुरू हो चुका है तथा कई आवासीय योजनाएं शुरू की गई है। साथ ही शुद्ध पेयजल के लिए 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। इन ट्रीटमेंट प्लांटों को कोसुंडा बांध से पानी मिलेगा। मुख्यमंत्री व विधायक के सहयोग से शहर को जोड़ने वाली सड़कें अब चौड़ी होने जा रही है। 16 करोड़ की लागत से महिला व बाल चिकित्सालय का भवन भी तैयार हो चुका है। चंदेरिया क्षेत्र वासियों के लिए अंडर ब्रिज भी तैयार है। वहीं चित्तौड़गढ़ शहर के बीच बहने वाली गंभीरी नदी स्वच्छ रहे, इसके लिए भी वहां पर प्लांट का कार्य जारी है। कई विकास की योजनाएं पूरी हो चुकी है तथा कई विकास की योजनाएं आने वाले दिनों में शुरू भी की जाएगी। बहरहाल चित्तौड़गढ़ में हुए विकास कार्यों का प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ 18 दिसंबर को महिला एवं बाल चिकित्सालय के भवन, चंदेरिया अंडर ब्रिज, बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन करेंगे, तो वही गरीबों के लिए करोड़ों की आवासीय योजना का शिलान्यास भी करेंगे। जयपुर नगर निगम और C40 सिटी की ओर से आज MOU साइन किया गया। दरअसल MOU पर्यावरण को स्वच्छ बनाने को लेकर किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पर्यटक यहां आ सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। MOU की औपचारिकता आज महापौर निर्मल नाटा ने की। इस दौरान निगम के कई अधिकारी और प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। जयपुर नगर निगम और C40 सिटी के बीच आज औपचारिक MOU हो गया। क्लाइमेट चेंज, ट्रांसपोर्ट और शहरी विकास के कई मुद्दों पर C40 सिटी जयपुर को देगा विश्व भर में हो रहे अच्छे कामों के बारे में तकनीकी और दूसरी जानकारी।
और जयपुर में हो रहे अच्छे कामों की जानकारी अपने से जुड़े हुए शहरों को देगा। सी 40 सिटीज में दुनिया भर के 80 से ज्यादा शहर है, जिसमें भारत के 5 शहर हैं। इन शहरों में जयपुर भी है। इस बारे में बताते हुए महापौर निर्मल नाहटा ने बताया कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में ये एमओयू बड़ा कारगर साबित होगा। इसके साथ ही सी 40 सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जनरल कोऑर्डिनेटर ने भी इसके बारे में जानकारी दी और जयपुर के विकास में हर संभव प्रयास का भी वादा किया। उन्होंने बताया कि जयपुर का लगातार विकास होते जा रहा है, ऐसे में यहाँ के लोगों और पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही जयपुर की इकोनॉमी को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। जयपुर नगर निगम कार्यकारिणी की समिति में आज खुद महापौर निर्मल नाहटा को अपने ही चेयरमैनों के विरोध का सामना करना पड़ा। चेयरमैनों का आरोप था कि नगर निगम बोर्ड को बने 1 साल हो चुका है, लेकिन आज भी उनके वार्ड विकास कार्यों को तरस रहे हैं, ऐसे में उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कार्यकारिणी समिति की बैठक में चेयरमैनों ने खुले आरोप लगाए कि अधिकारी महापौर के निर्णय की पालना नहीं कर रहे। दरअसल आज महापौर निर्मल नाहटा की अध्यक्षता में नगर निगम की तीसरी कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसमें कई प्रस्ताव रखे गए, लेकिन बैठक की शुरुआत में ही चेयरमैनों ने अपनी अपनी समस्याएं रखने के साथ ही विरोध शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक बैठक में एक कमेटी चेयरमैन ने पानी का गिलास और माइक तक तोड़ दिया। नगर निगम कार्यकारिणी समिति के सदस्य विकास कोठारी ने खुलकर कहा कि वो जनता के प्रति जवाबदेह है, न कि किसी अधिकारी या अन्य के। सोमवार को श्रीगंगानगर में एक बुजुर्ग ने अपने घर में खुद को आग लगा दी। आग लगने से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के विनोबा बस्ती का है। मामले के मुताबिक सोमवार को शहर के विनोबा बस्ती में रहने वाले 75 साल के अविनाश खरबंदा ने अपने घर की छत पर बने बाथरूम में खुद को आग लगा ली। परिजनों और आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग की जान बचाई नहीं जा सकी। आसपास के लोगों की माने तो कुछ समय पहले इस बुजुर्ग के पोते की मौत हो गई थी, तभी से यह बुजुर्ग मानसिक तौर पर परेशान रहने लगा था। आज घर की छत पर बने बाथरूम में बुजुर्ग अविनाश खरबंदा ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा ली। जानकारी लगने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा किया। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट तैयार करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। अलवर रेलवे स्टेशन के पास आज एक छात्रा ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना पर आरपीएफ और जीआरपीएफ मौके पर पहुंची तथा शव को अपने कब्जे में ले लिया। गौरतलब है कि अलवर रेलवे स्टेशन के पास आज दोपहर में एक छात्रा ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई तथा स्थानीय लोगों ने जीआरपी को घटना की जानकारी दी। सूचना पर जीआरपी और आरपीएफ मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर राजीव गांधी सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। बहरहाल मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई है और आत्महत्या के कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। किशनगढ़ के मार्बल व्यवसायी अशोक पाटनी और उसके इशारे पर भाइयों द्वारा दर्ज प्रकरण में पुलिस की कथित मिलीभगत के विरोध में पीरदान सिंह और उसकी पत्नी का आमरण अनशन 5वें दिन भी जारी रहा। किशनगढ़ के मार्बल व्यवसायी और उसके इशारे पर सगे भाइयों द्वारा दर्ज मुकदमों में न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं होने को लेकर पीरदान सिंह अपनी पत्नी के साथ 5वें दिन भी अनशन पर डटे रहे। डायबिटीज से ग्रसित पत्नी की हालत नाजुक होने पर सोमवार को पुलिस ने जबरन उन्हें जेएनएल अस्पताल में भर्ती करवाया है। पीरदान सिंह के अनुसार उनके सगे भाइयों ने, जो कि आईजी ऑफिस में टैबर के पद पर तैनात है, उसने पीरदान सिंह के दो बेटों, दो बेटियों और पत्नी के खिलाफ चोरी डकैती का मुकदमा सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाया था। भाई ने पीरदान सिंह के परिवार पर स्कूटी चोरी करने का भी इल्जाम लगाया था, जो कि जयपुर में गर्ल्स हॉस्टल में रखी थी। वो स्कूटी सिविल लाइन थाना पुलिस ने बरामद कर ली, लेकिन 7 माह गुजरने के बावजूद उसे न्यायालय में पेश नहीं किया ताकि परिवार परेशान होता रहे। पीरदान सिंह का आरोप है कि ये स्कूटी उसकी भतीजी खुद इस्तेमाल करती थी। पीरदान सिंह का कहना है कि पुलिस उद्योगपति के इशारे पर जानबूझकर कोर्ट में स्कूटी पेश नहीं कर रहे ताकि उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। उल्लेखनीय है कि पीरदान सिंह अपने साक्ष्यों के आधार पर यह दावा करते हैं कि ओवरलोडिंग से मना करने के कारण आर के मार्बल ने उनके द्वारा दिए सिक्योरिटी चेक को 3 अलग अलग मतों में दिखाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था और इस कारण वो अनावश्यक रूप से उसे परेशान कर रहे हैं। पीरदान सिंह इसके पहले भी लगभग 50 दिन तक आमरण अनशन कर चुके हैं। उनकी मांग है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो। राजधानी में चोरों का आतंक दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और चोरों में पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। वहीं वैशाली नगर थाना इलाके में एक के बाद एक चोरी की बड़ी वारदातें सामने आ रही हैं और पुलिस चोरों का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा पा रही है। रविवार देर रात चोरों ने ऑफिसर कैंपस स्थित एक सुने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। दरअसल पीड़ित परिवार एक समारोह में शामिल होने दिल्ली गया था और इस दौरान चोरों ने मकान सुना देख वारदात को अंजाम दिया।
बदमाश मकान में पीछे के रास्ते से दरवाजे को तोड़कर मकान के अंदर घुसे और दो मंजिला मकान के हर एक कमरे को खंगालते हुए तकरीबन 7 लाख रुपए का सामान चोरी करके ले गए, जिसके अंदर नकदी, ज्वेलरी और अन्य कीमती सामान शामिल था। सोमवार सुबह जब परिवार वापस जयपुर लौटा तो उन्हें वारदात का पता चला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस चोरों का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा पाई है। अब देखने की बात होगी कि वैशाली नगर थाना इलाके में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं और आमजन के साथ साथ चोरों ने पुलिस की भी नाक में दम कर रखा है। अब पुलिस कितनी जल्द इन वारदातों का खुलासा कर पाती है और क्या चोरों को गिरफ्तार कर पाती है। भरतपुर जिले के सबसे बड़े हीरा दास बस स्टैंड पर दो बाइक सवार 5 बदमाशों ने एक ग्रामीण से 25,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने जिले में नाकाबंदी कराई, लेकिन तब तक बदमाश फरार होने में सफल हो गए। नदवई कस्बे के गांव परवसर का ग्रामीण रामबाबू बीमार पुत्र वधु का ऑपरेशन कराने के लिए फसल बेचकर 25,000 रुपए लेकर भरतपुर पहुंचा, लेकिन जरूरी कागजात घर पर भूल आने से साथ आई पुत्री को कागजात लाने के लिए गांव भेज दिया और खुद बस स्टैंड पर चौराहे पर इंतजार करने लगा। तभी दो बाइकों पर 5 लोग आए और ग्रामीण को चुपड़ी चुपड़ी बातों में लगा दिया और पीछे से गले में रस्सी का फंदा डालकर उसे जबरदस्ती 25,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद पहुंची अटल वन पुलिस ने नाकाबंदी कराई, लेकिन तब तक वह भागने में सफल हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मदद के लिए आ गए, लेकिन चालाक बदमाशों ने घर का झगड़ा बताकर लोगों की आंखों में धूल झोंक दिया और खुद पैसे लेकर फरार हो गए। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। कोटा में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अब नयापुरा थाना इलाके में चोरों ने एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के घर पर हाथ साफ कर लिया। मामला कृष्णा एनक्लेव अपार्टमेंट का है। ग्राउंड फ्लोर पर रिटायर्ड आरपीएस नवनीत महर्षि का अपार्टमेंट है। नवनीत महर्षि परिवार के साथ कुछ समय पहले कोटा से बाहर गए हुए थे। पीछे से चोरों ने खिड़की की जाली काट कर अंदर घुसे और कमरों के ताले तोड़कर अलमारी का गेट तोड़ दिया। चोर अलमारी में रखे 1.5 किलो चांदी के जेवर, कपड़े और करीब 500-700 रुपए चुरा कर ले गए। सोमवार सुबह जब वह वापस लौटे और मकान में पहुंचे तो देखा कि मकान के पिछले हिस्से में बनी खिड़कियों की जालियां कटी हुई थी। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और चांदी के जेवरात गायब थे। नवनीत ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। पुलिस ने नवनीत की रिपोर्ट पर मामला तो दर्ज कर लिया और जांच करने की बात कह रही है, लेकिन पिछले 3 दिनों की अगर बात की जाए तो शहर में लगातार चोरियों की 4 से ज्यादा वारदातें हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पुलिस रात में गश्त के दावे तो करती है, लेकिन बेहतर गश्त के जो दावे पुलिस कर रही है वो यहाँ पर फेल होते नजर आ रहे हैं। टोंक में चोरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। चोर एक के बाद एक चोरी की वारदात को अंजाम देते जा रहे हैं। बीती रात्रि को भी टोंक शहर के अंदर एक मकान में 2 दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया, लेकिन पुलिस इन सब के बीच हाथ पे हाथ धरे बैठी रही और आश्वासन के चीटे देती रही कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा। दरअसल बीती रात्रि को पुरानी टोंक के मियां के चौक में रहने वाले ब्रज बिहारी एक शादी समारोह में शामिल होने जयपुर गए थे, लेकिन जब वो घर पे लौटे तो उन्होंने अपने घर के ताले टूटे हुए मिले, जिसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच के जांच की तो पता चला कि चोरों ने बीती रात्रि को पूरे घर के अंदर रखे जेवरात में नकदी, जो कि लाखों रुपए की बताई जा रही है, वो लेके फरार हो गए। ये घटना हुई पुरानी टोंक थाने से महज 500 मीटर दूर। पुलिस इस पूरे मामले की सबूत जुटा पाती उससे पहले ही पुलिस को सूचना मिलती है कि काफला बाजार में स्थित 2 दुकानों के भी ताले टूटे हुए हैं और चोरों ने भी वहां से नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गए। दोनों ही घटनाएं पुलिस थाने के 500 मीटर के दायरे के अंदर हुई, जिसके बाद टोंक के लोगों के अंदर खासा रोष व्याप्त है, क्योंकि पिछले 6-1 हफ्ते के अंदर अब तक 7 से ज्यादा चोरी की वारदातें टोंक में हो चुकी है और पुलिस अभी तक एक भी चोर को गिरफ्तार नहीं कर पाई। कोतवाली थाना क्षेत्र और पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के 500 मीटर के दायरे में जिस तरह की चोरी की वारदातें हुई, इन सब वारदातों ने टोंक पुलिस के रात्रि गश्त पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ऐसे में अब देखना यह है कि पुलिस इन चोरों को कब तक पकड़ पाती है और लोगों को कब तक राहत की नींद से सुला पाती है। लगे आईएस जिंदाबाद नारे के विरोध में राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया गया। जयपुर के स्टैचू सर्किल पर विरोध प्रदर्शन स्वामी प्रज्ञानंद के नेतृत्व में किया गया। जयपुर के स्टैचू सर्किल पर टोंक में लगे आईएस जिंदाबाद नारे के विरोध में प्रदर्शन किया गया।
प्रदर्शनकारी हत्या करना जिहाद नहीं, धमकी देना जिहाद नहीं जैसे बैनर लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व स्वामी प्रज्ञानंद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टोप में आईएस समर्थकों ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद और आईएस जिंदाबाद के नारे लगाए, जो लोकतंत्र की परंपरा के खिलाफ है। ऐसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। स्वामी प्रज्ञानंद ने यह भी कहा कि अब समाज जाग्या है, जो जैसा करेगा उसी के अनुरूप उसे जवाब दिया जाएगा। जिला भर के सैकड़ों बीएड छात्र छात्राओं ने आज टाउन हॉल से एक रैली निकालकर बीएड पाठ्यक्रम को दो वर्ष की बजाय एक वर्ष करने और बीएड के पाठ्यक्रम में बढ़ाई गई फीस को पुनः कम करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। टाउन हॉल से प्रारंभ हुई इस रैली में सैकड़ों कॉलेजों के हजारों छात्र छात्राओं ने शामिल होकर जमकर नारेबाजी की। ये छात्र छात्राएं हाथ में तख्तियां लिए हुए चल रहे थे, जिन पर लिखा हुआ था बीएड पाठ्यक्रम को दो वर्ष की बजाय एक वर्ष किया जाए। साथ ही इनकी मांग थी कि बीएड की बढ़ाई गई फीस को भी कम किया जाए। इन छात्रों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे मनवाने की बात कही है। इन छात्रों का कहना है कि सरकार जबरदस्ती उन्हें उलझाए रखना चाहती है, इसी के चलते जो बीएड पहले एक वर्ष में पूरी हो जाया करती थी उसे दो वर्ष का कर दिया गया है। छात्रों का कहना था कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। परिषद में लंबे समय से एएन और जेएन के नहीं होने से आम शहरवासियों के काम अटके पड़े हैं। इस दौरान परिषद में नक्शा स्वीकृत, लैंड यूज चेंज सहित अन्य कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही शहर की महत्वपूर्ण अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन के लिए तैयार करवाई जा रही डीपीआर का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। मालूम हो कि नगर परिषद में अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता के पद पर तैनात दोनों अधिकारी लंबे समय से परिषद नहीं आ रहे, जिससे हर समय उनके दफ्तरों पर ताला ही लटका रहता है। दोनों अधिकारियों के परिषद में उपस्थित नहीं होने के कारण लंबे समय से मकान बनाने के लिए नक्शा स्वीकृति का इंतजार कर रहे शहरवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और मजबूरन नगर परिषद के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मालूम हो कि विगत दिनों नगर परिषद आयुक्त मुरारी लाल वर्मा ने परिषद के एएन के अनुपस्थित रहने के मामले में उन्हें फटकार लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद आज भी ये हालात नहीं सुधरे हैं। सोमवार को इस संबंध में जब परिषद आयुक्त से इस बारे में जानकारी चाही गई, तो उन्होंने भी अधिकारियों के लंबे समय से अवकाश रहने पर नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि शहरवासियों की समस्या को देखते हुए शीघ्र ही समाधान किया जाएगा और अधिकारियों को नोटिस पुनः जारी किया जाएगा। धौलपुर शहर की यातायात व्यवस्था चरमराई, ऑटो चालकों ने राहगीरों का सड़कों पर चलना किया दुष्भाग, यातायात पुलिस नहीं दे रही ध्यान। धौलपुर शहर की यातायात व्यवस्था पुलिस की निष्क्रियता के चलते पूरी तरह से चरमरा गई है। यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका ऑटो रिक्शाओं की है, जो कुछ ही साल में धौलपुर शहर में कुकर मुक्ता की तरह छा गए है। न तो प्रशासन ने और न ही यातायात पुलिस ने इन ऑटो रिक्शाओं के लिए रूट चार्ट तैयार किया है और न ही स्टॉपेज निर्धारित किए हैं। इसी का नतीजा है कि शहर में ऑटो अंधाधुंध दौड़ रहे हैं। ऑटो चालक मनमर्जी से कहीं भी रोक देते हैं, जिससे शहर में आए दिन जाम के हालात बन रहे हैं। बहरहाल यातायात पुलिस की मिलीभगत के चलते ऑटो चालक शहर में बेलगाम हो गए हैं, जो राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। हिंदू जन जागृति समिति ने फिल्म बाजीराव मस्तानी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि इसमें इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। हिंदू जन जागृति समिति ने कहा है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और केंद्र सरकार के संस्कृति विभाग में शिकायत दर्ज करवाई गई है और मांग की गई है कि अगर इसमें मौजूद विकृत इतिहास को नहीं हटाया जाता है तो इसके प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। एसजेएस का कहना है कि पिंगा पिंगा में काशीबाई और मस्तानी साथ साथ डांस कर रही हैं, लेकिन पेशवा के समय में महिलाएं परिवार की इज्जत होती थी और वो डांस परफॉर्म नहीं करती थी। संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी 18 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म में बाजीराव के कैरेक्टर में रणवीर सिंह हैं, तो वहीं दीपिका हैं मस्तानी के किरदार में और काशीबाई का रोल प्ले कर रही हैं प्रियंका चोपड़ा।